सो वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपका जीमेल अकाउंट का जो स्टोरेज है वो पूरा भर चुका है और इस तरीके का एक अलर्ट आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अब कोई नई मेल रिसीव या सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इस केस में दोस्तों आपको अपना जीमेल अकाउंट खाली करना पड़ता है और जितने भी मेल्स होती हैं जो अननेसेसरी हैं या फिर नेसेसरी हैं, जो भी है, आपको उनको डिलीट करके दोबारा से स्पेस बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि आप एक बार में सारी मेल्स को सिलेक्ट नहीं कर पाते, जो कि मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्टली, इधर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपके फ्रंट पेज की जो पेज अभी खुल रखा है आपके सामने, इस पेज पर एक साथ में जितनी मेल्स हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं और उसके बाद आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको पता होगा, पर दोस्तों क्योंकि हमारी मेल्स हैं बहुत ज़्यादा, देखिए एक बार मैंने 100, यहाँ पर 100 मेल सेलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि मेरे पेज पर 100 मेल्स थी, पर क्योंकि मेल्स हैं मेरी 44,000, तो अगर मैं 100-100 करके डिलीट करूँगा तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों सवाल ये आता है कि सारी मेल्स को आप एक साथ किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेक्स्ट पेज पे हो चाहे उससे नेक्स्ट पेज पे हो, ठीक है। तो वो किस तरीके से करना है दोस्तों वो बताता हूँ आपको मैं। दोस्तों ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप में से किसी के पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं तो वो मुझे सपोर्ट भी कर सकता है, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर सारे मेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, करना क्या होता है आपको, आपको यहाँ पर सर्च मेल में आना है पहले, और यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि अभी हमारी डेट है 11 नवंबर 2022, और इन केस आपको मान लो आपको आज तक की, मतलब कि 11 नवंबर तक की अगर सारी मेल्स डिलीट करनी है, मतलब आज तक की डिलीट करनी है, तो आप आज की डेट डाल देंगे। अगर आपको मान लो जनवरी तक की मेल्स डिलीट करनी है तो आप जनवरी डेट डाल दोगे, मतलब जो भी डेट यहाँ पर डालोगे उस डेट से लेकर स्टार्टिंग तक की सारी मेल्स यहाँ पर डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो वो देख लेना आप, आपको कहाँ तक की मेल डिलीट करनी है। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, अभी दोस्तों पहले पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक बताना भूल गया था, ये बात है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी दिख रही होंगी, एक है प्राइमरी, एक है प्रमोशन और एक है सोशल, ठीक है। तो बेसिकली जीमेल ने क्या किया है, इन्होंने जो मेल्स थी उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है, एक प्राइमरी में, एक प्रमोशन में, एक सोशल में, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइमरी की। अगर आपको सोशल वाली मेल्स काटनी पड़ेंगी तो आपको इस पर क्लिक करके, पहले पहले आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर मेल्स खोलनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको प्रमोशन की करना है तो प्रमोशन पर क्लिक करके ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी, और प्राइमरी पर करना है तो प्राइमरी पर करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप देख लेना, आप कौन सी कैटेगरी की मेल्स को डिलीट करना चाहते हो। तो मैं अभी कर रहा हूँ फिलहाल प्राइमरी की, तो मैं फिलहाल यहाँ पर प्राइमरी में जितनी भी मेल्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेल्स आपकी प्राइमरी में ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी मेल्स हैं उनको मैं डिलीट करना हूँ। इसके लिए दोस्तों करना क्या है आपको, सिंपली यहाँ पर सर्च मेल में आना है और यहाँ पर टाइप करना है बिफोर, इसके बाद कॉलोन, इसके बाद आपको वो डेट डालनी है जिस डेट तक की आपको मेल डिलीट करनी है, ठीक है। जो डेट यहाँ पर डालोगे स्टार्टिंग से लेकर उस डेट तक की आपकी पूरी मेल डिलीट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप देख लेना। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ पिछले, मतलब एक साल छोड़ के, तो अभी चल रहा है हमारा 2022, तो मैं 2021 तक की मेल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो उनका मुझे अभी काम है। 2021 डाल दिया, पहले आपको ईयर डालना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद आपको डेट डालनी है, जैसे कि डेट है मेरी 11, ठीक है, 11 नवंबर 2021 तक की मेल मुझे डिलीट करनी है, ये हो गया। इसके बाद आपको सिंपली एंटर मार देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सारी वो मेल्स आ जाएंगी जो आपके उस तारीख तक है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। अब देखिए सारी मेल्स यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं, पर दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक एक जगह क्लिक और करना है, वो है हमारा यहाँ पर, क्योंकि अगर अब ये वाला दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने का मतलब ये है कि जितना भी आपका रिजल्ट आया है, जो मतलब अभी सर्च किया है हमने 2021 से, मतलब 2021 11 नवंबर तक का,
वो रिजल्ट पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली इस पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने लिखा आ गया है कि जो हमारी मेल्स थी जो हमने सेलेक्ट की है अभी, वो सारे की सारी सेलेक्ट हो गई हैं, मतलब सेलेक्टेड हो गई हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, एक सेकंड हटाता हूँ इसको मैं। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपकी पिछले साल की मतलब कि 11 नवंबर 2021 तक की मेल, स्टार्टिंग से लेकर 11 नवंबर 2021 तक की मेल पूरी डिलीट हो जाएंगी एक बार में ही। दोस्तों ये तरीका आपको आसानी से नहीं मिलेगा, सभी तो मिल तो जाएगा, आसानी से नहीं मिलेगा, पर मैंने आपके लिए निकाला दोस्तों ढूंढ के। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो अगर किसी के पास 50-100 रुपये पड़े हैं तो। ठीक है, वो देख लेना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वीडियो को रोक देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लोडिंग रुक गई है और अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12/16/2018, मतलब कि 12/16/2018 तक की जो मेल हैं वो यहाँ पर डिलीट हो गई हैं, उसके बाद वाली। ठीक है, उससे पहले वाली नहीं हुई है, मतलब इसने एक तरह से मान लो आप 3 साल इन्होंने ले लिए, मतलब 3 साल तक का जो मेल्स थी वो डिलीट कर दी इन्होंने 18 से लेकर 21 तक की। ठीक है, अब दोस्तों आप देख लेना, अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप इनको भी डिलीट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप डाल देना 2018 डाल देना, जो भी डेट यहाँ पर है अगर आपको पूरी काटनी है तो। ठीक है, इन्होंने मेरे ख्याल से 3 साल तक इन्होंने लिमिट कर रखी होगी अपनी, 3 साल तक ले सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कितना स्पेस मुझे बचा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा अभी हमारे पास 28,250 और स्टार्टिंग में थी 47,000, मतलब दोस्तों हमने मोटा मोटा 16,000 मेल्स डिलीट कर दी हैं एक बार में, 16,000 एक बार में हमने डिलीट कर दी। ठीक है, तो ये काफ़ी है दोस्तों आपका स्पेस के लिए। अगर आपको और भी पीछे की काटनी है तो आप सेम वही तरीका अपना सकते हो, जिस डेट से आपको पीछे की मेल काटनी है तो वो डेट लिख देना बिफोर में, पहले ईयर उसके बाद मंथ उसके बाद डेट। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना और थैंक यू बस।